फ्रेंड्स, मिंटीज किचन में आपका स्वागत है। बैंगन की सब्जी तो अक्सर हम बनाते हैं और हम सब पसंद भी करते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता बिल्कुल अलग तरीके से। इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा कि जो बैंगन नहीं भी खाते हैं वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दो बैंगन लिए हैं वजन में 500 ग्राम, 3 टमाटर है वजन में 250 ग्राम, 2 प्याज है मीडियम साइज का उसे काट लिए हैं, 150 ग्राम मटर है, थोड़ा सा धनिया पत्ता है, 8 लहसुन है और 2 हरी मिर्च है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 लहसुन और 1 हरी मिर्च है। इन सबको क्रश कर लिए हैं। बैंगन जब भी खरीदें फ्रेश देखकर खरीदें, हल्का हो ताकि बीज जो आया हुआ ना हो, इस तरह से होना चाहिए। चेक करके लें, दबा कर देख लें, मुलायम होना चाहिए। इस तरीके से तो भरता 1 नंबर बनेगा। बैंगन में चीरा लगा देंगे तो चेक हो जाएगा कि बैंगन में कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इस तरीके से देख लें, बैगन बिल्कुल ठीक है। एक और चीरा लगाएं, इसे भी चेक कर लेंगे इधर से भी, और इसमें लहसुन डाल देंगे बीच में जगह बनाकर। 2 लहसुन डाल दिए, इधर भी डाल देंगे 2 लहसुन। इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर 1 चीरा लगाएंगे और इधर 1 हरी मिर्च भी डाल देंगे बीच में। दूसरे वाले में भी इसी तरह से कर लेंगे। सरसों तेल लगा दे रहे हैं चारों तरफ, इसे स्किन बहुत अच्छे से उखड़ जाएगा। इसमें भी लगा देंगे। टमाटर में भी इसी तरह से लगा देंगे चारों तरफ से। ये हमारा तैयार हो गया है पकने के लिए। अब फ्लेम ऑन करेंगे और इस पे तवा चढ़ा देंगे। यहाँ पे हम रोस्ट करेंगे तवा पर, इससे आराम से रोस्ट हो जाएगा सारा चीज। इस तवा पे बैंगन रख दिए, ये दोनों बैंगन रख दिए और इस पे टमाटर भी रख दिए। अच्छी तरीके से रख देंगे और इसको ढक देंगे इस तरीके से 15 मिनट के लिए। फ्लेम एकदम लो रहेगा और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुका है, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए इस तरह हुआ। अब इन सारे को पलट देंगे इस तरीके से छोलनी से हाथ को बचाते हुए। अभी थोड़ा थोड़ा पका है, अभी बहुत पकाना बाकी है। टमाटर को भी अलट पलट कर देंगे। टमाटर जल्दी पक जाता है, बैंगन पकने में कुछ टाइम लगता है। हम चाहें तो डायरेक्ट चूल्हा पर भी रख कर बैंगन और टमाटर को सेक सकते थे, लेकिन तवा पर रख कर सेकने में आसानी भी होता है और सेफ्टी भी होता है। फिर से ढक देंगे 15 मिनट के लिए। इधर वाले चूल्हे का भी फ्लेम ऑन कर देते हैं और इस पर तवा रख देते हैं। बैंगन हमारा धीरे धीरे पकते रहेगा और इधर हम कढ़ाही चढ़ा के मसाला तैयार कर लेंगे। कढ़ाही हमारा गर्म हो चुका है। 4 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल भर भर कर डालना है। तेल कुछ ज़्यादा ही डालना है इसलिए कि टेस्टी बैंगन का भरता बनने वाला है। 1 पिंच हींग डाल देंगे और ये चॉप्ड लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल देंगे। अब इन सब को चला देंगे। फ्लेम हमारा एकदम लो रहेगा ताकि मसाला जले ना। फिर इसी में हम चॉप्ड प्याज डालेंगे जो बारीक काट कर रखे हुए थे, सबको डाल देंगे। फिर चला देंगे।
चारों तरफ से बराबर से चलाते जाएंगे और प्याज को एकदम लाल नहीं करना है। फिर इसमें मटर डाल देंगे, मटर थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, डालकर इसे भी चला देंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे हम नमक डाल देंगे, यहाँ पर हम नमक 1.5 चम्मच डाले हैं, आप अपने स्वादानुसार डालें। चला देंगे, नमक डालने से मटर जल्दी सॉफ्ट होगा और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इधर हम बैंगन को चेक कर लेते हैं कितना गला है। ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है, हाथ से भी दबा कर देख रहे हैं, गल चुका है हमारा बैंगन। पलट पलट कर देंगे, हाथ जल रहा है, हाथ को बचा के करें। टमाटर को भी अलट पलट कर देंगे। धुआं निकल रहा है दोस्तों, टमाटर को निकाल लेते हैं पहले। एक टमाटर निकाल लिए, एक टमाटर गल चुका है। फिर इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इधर हम अपना चेक कर लेते हैं मसाला, इसे चला लेते हैं अच्छी तरीके से। मटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये होममेड है। इन सबको चला देंगे। फ्लेम एकदम लो ही पर रखना है। ये बैंगन का भरता सरसों तेल में ही बनाएं फ्रेंड्स, सरसों तेल का स्वाद बहुत अच्छा आता है और तेल जो है ज़्यादा डालना है। फिर इसे कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो चुका है, इसे देख लेते हैं और चला लेते हैं। मसाला रेडी हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर दिए और इधर हम बैंगन चेक कर लेते हैं। बैंगन पक चुका है, ये चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये बैंगन को आराम से ही पकाना है, धीमा धीमा आंच पर, तभी तो टेस्टी बनेगा और बिल्कुल रोस्टेड स्वाद आएगा इसका। फिर से पलट दिए, चारों तरफ घुमा घुमा के अलट पलट करते हुए पका लिए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर दिए। ये गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लिए इसे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा करने के लिए बैंगन को धोना नहीं है, क्योंकि धोने से स्वाद बिगड़ जाएगा। इसे कट कर लेते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अभी बहुत गर्म है, अभी अगर छुएंगे तब तो हाथ ही जल जाएगा। टमाटर को भी कट कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसके डंठल को काट के हटा लेंगे। अभी भी गर्म है फ्रेंड्स, इसीलिए हम चमची से पकड़े हुए हैं और छुरी से कट कर रहे हैं। ये देखिए हिला लिए, ये देखिए लहसुन भी नज़र आ रहा है, इसे भी निकाल लेंगे और चमची से इसका गूदा निकाल रहे हैं। छिलका अलग कर लिए और गूदा निकाल लिए। ये देखिए छिलका अलग हो गया, इसे रख देते हैं। ये लहसुन निकला और मिर्चा भी निकल गया। ये देखिए ये टमाटर को भी छील लेंगे, स्किन इसका भी अलग कर लेंगे और गूदा अलग कर लेंगे। बैंगन और टमाटर को एक साथ भून लेने से बिल्कुल सूंधा स्वाद आता है और बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बनता है। इसे रोटी, पराठा, नान या दाल चावल, बैंगन का भरता यही खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। इसे जो बैंगन नहीं भी खाते हैं वो भी इतना शौक से खाएंगे कि आपका तरीका जानना चाहेंगे कि ये बना कैसे था। इसे आप एक बार बनाएंगे तो लगेगा कि बार बार बनाएं
और इसमें मटर भी तो डालते हैं, इससे स्वाद में और भी चार चांद लग जाता है। इस बैंगन का भरता बनाने के लिए टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं है। आपके पास अगर टाइम है तो इसे आराम से पहले चढ़ा दें गलने के लिए और जब पक जाता है तो फिर मसाला तैयार कर लें। मैं यहाँ हाथ से चूर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। हम अगर हाथ से मिलाएंगे तो हाथ का भी स्वाद आएगा। आप चाहें तो मैसर से चूरें, फोर्क से चूरें। अब हम फिर से फ्लेम ऑन करेंगे और इस ढक्कन को हटाएंगे और अपना मसाला तैयार किया हुआ देख लेंगे। इसे चला लिए। अब और बैंगन और टमाटर जो मैश किए हुए थे इन सबको डाल देंगे। फ्लेम एकदम लो रहेगा। कोई भी चीज़ अगर देखने में खूबसूरत हो तो भूख और भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। अच्छी तरीके से चारों तरफ से चलाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी लाजवाब है। इसका टेस्ट तो एकदम गजब का है, वाह। इसमें आधा चम्मची चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला डालने से स्वाद बहुत अच्छा आएगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इन सबको भी चला लेंगे। एक बार इस तरीके से बना कर देखें फ्रेंड्स, आपके फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है और बार बार डिमांड करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। इसे फिर से ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो चुका है, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए फिर से मिक्स कर देते हैं चारों तरफ से, मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हुआ। इतना बैंगन का भरता घर के 4-5 सदस्य के लिए काफ़ी है और स्वाद तो इतना ज़बरदस्त है कि खाने वाले खाते ही रह जाएं। क्या गजब का टेस्ट होगा, ये सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। बैंगन का भरता हमारा रेडी हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक बॉल में सर्व करेंगे और इसे हरी मिर्च, कटे हुए अदरक और धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। बैंगन का भरता बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बैंगन का भरता बना है। इसे ट्राई जरूर करें, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।